हेलो गाइस गाइस, लोग कितना गलत बताते हैं या फिर कंप्लीट नॉलेज नहीं देते हैं फिबनाची रिट्रेसमेंट के बारे में यूट्यूब पर। ये फिबनाची रिट्रेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो बिना फिबनाची रिट्रेसमेंट के आप कभी नहीं बन पाओगे। तो गाइस, इसलिए मैंने फिबनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो लाया है जिसमें पूरा का पूरा जो फिबनाची रिट्रेसमेंट है उसे मैं कंप्लीट करूंगा, प्रोफेशनल लेवल तक का बताऊंगा कि कैसे प्रोफेशनल यूज करते हैं फिबनाची रिट्रेसमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी आप देख सकते हो कि फिबनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअल में ये है क्या, पहले हम लोग ये देखते हैं गाइस। ये एक टूल है। अब ये एक टूल मतलब अगर आप देख सकते हो यहाँ पर तो स्क्रीन पे, तो यहाँ साइड में आपको बहुत सारे टूल्स नजर आ रहे हैं जिसमें ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, हमारे पास में हॉरिजेंटल लाइन होता है और भी बहुत कुछ जो है सो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स में से एक है फिबनाची रिट्रेसमेंट। क्या फिबनाची रिट्रेसमेंट भी इसी तरह का टूल है? और ये जो है सो आपका तीसरा नंबर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा सबसे ऊपर में लिखा हुआ फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट, फिबनाची रिट्रेसमेंट दोनों एक है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर क्या आप यूज करने लायक हो जाओगे। हाँ, आप फिर यूज कर सकते हो, देख सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूज ऑफ फिब रिट्रेसमेंट मतलब फिब रिट्रेसमेंट आखिर काम कहाँ आएगी, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा अगर हम लोग इसे सीख लेंगे, ठीक है। तो ये देख लेता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसका सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले एक छोटा सा जिससे आपका एक्साइटमेंट बढ़ सके गाइस, इसे हम लोग जब हम लोग एंट्री लेते हैं मार्केट में, ठीक है, जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त फिब के थ्रू ही एग्जीक्यूट होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर फिब के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग को ये बताता है कि स्टॉप लॉस का एरिया कौन सा है। फिर हमें एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देता है, क्या एडवांस लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है। फिर एक देता है हमें टारगेट, ठीक है, टारगेट मतलब टीपी मतलब ट्रेड को कहां पर बंद करना है, मतलब शुरू कहां पे करना है वो भी हमें बताता है और बंद कहां पर करना है ये भी हमें बताता है। फिर हमें ये बताता है कि कोई अगर ट्रेंड है, मान लो अप ट्रेंड है, उसमें कितना ताकत है, ये कितना दूर तक जाएगा। गाइड्स, अब आप समझ गए होंगे यार कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बहुत कुछ हमें देता है। गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि एडवांस लेवल का इसका सेटिंग कैसे करना है। आपको क्या करना है, ये सिंपली देखो इसमें क्या क्या होता है, पहले वो मैं बताता हूं, ठीक है। इसमें क्या परसेंटेज होता है, परसेंटेज मतलब कि मार्केट अगर ऊपर गया है, ठीक है, तो मार्केट कितना नीचे आएगा, मतलब देखो मार्केट कभी भी हमारा कैसे चलता है, मार्केट हमेशा हमारा चलता है जिगजैग फॉर्म में, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से चलता है मार्केट। तो ये मार्केट अगर ऊपर गया है तो कितना नीचे आएगा, रिटेस्ट कितना करेगा, ठीक है। कोई अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो वो हायर लो कितना बनाएगा ये हमें फिब के थ्रू पता चल जाता है, क्या फिब के थ्रू पता चल जाता है। अब वो कैसे पता चलता है देखो, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ परसेंटेज होते हैं, ठीक है, इसमें क्या, इसमें कुछ परसेंटेज होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसमें एक एरिया होता है 30% का, एक एरिया होता है 50% का और एक होता है 60 और 65 का। और 60 और 65 वाले एरिया को ही गोल्डन एरिया कहा जाता है। आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा गोल्डन एरिया का, ठीक है। तो गोल्डन एरिया किसे कहते हैं, 60 और 65% के एरिया को ही गोल्डन एरिया कहा जाता है। और एक होता है 78%, ठीक है। तो यहां पर क्या, यहां पर आपको जो है सो वो 5 एरिया है, 30, 50, 60, 65, 78। तो ये जो है सो एरिया है इसमें, ठीक है, यही हमें बताता है कि मार्केट कितना नीचे आएगा। सो देखो गाइस, जनरली क्या होता है कि मार्केट मार्केट हमेशा क्या करेगी, 50 से 65% वाले एरिया के पास में आकर के मार्केट ऊपर चली जाती है, क्या मार्केट ऊपर चली जाती है यही एरिया से, और यही सबसे मेन एरिया है, यही हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आगे मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। पर यहां पर आपको पता चलेगा कौन कौन सा एरिया हमें ध्यान में रखना है, 30%, 50%, 60%, 65% और 78%, ठीक है, और 60 से 65% एरिया को ही गोल्डन एरिया कहते हैं। अब इसे गोल्डन एरिया क्यों कहते हैं, 60 से 65% वाले एरिया,
इसे गोल्डन एरिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है, मार्केट मार्केट सबसे लास्ट में यहीं पर आकर के घूमता है। यहां पर आकर के मार्केट क्या करती है, मान लो कोई अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट मान लो ऊपर से नीचे ऊपर, ये इधर से आ रहा है मार्केट, मार्केट मान लो इधर से आ रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर आया तो मार्केट का चांसेस रहेगा कि यहां पर आ करके फिर मार्केट निकलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इसीलिए इसे गोल्डन एरिया कहते हैं। अब देखते हैं इसका सेटिंग कैसे करना है। गाइस ये क्या है, ये मैंने अपना सेटिंग किया है ऐसा, ठीक है, इसलिए आपको इतना क्लीन नजर आ रहा है। पर अगर आप अगर नए होगे, आपने कभी भी अगर फिब रिट्रेसमेंट का अगर सेटिंग अगर नहीं किया होगा तो आपको कैसे ये दिखेगा वो अभी मैं बता। गाइस यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास में एक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, अब यहां पर देखो यहां पर हमारा फिब है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, ठीक है, यहां से फिब लो, ठीक है, फिब लो, ठीक है, और अब अगर यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा, देखो देख रहे हो किस तरह का इसका डिफॉल्ट सेटिंग है, मतलब जो खुद से सेटिंग है इसका वो किस तरह से है, तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। पर आपको कैसे एडवांस लेवल का नीट और क्लीन सेटिंग करना है वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको देखो ऊपर में एक इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, यहां पर देखो एक सेटिंग का एक साइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ठीक है, फिर क्या करना है कि सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ऑफ कर दो, ठीक है, ऑफ कर दो, और क्या बैकग्राउंड का कलर, देखो यहां पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कलर को ऑफ कर दो, ठीक है, प्राइस और लेवल, ठीक है, ये आपका मन करेगा रखने का मन करेगा तो रखना, नहीं रखने का मन करेगा तो मत रखना, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर जो है सो आपको कितने कौन कौन सा परसेंट दिमाग में रखना था, 30%, 50% और 60%, 65%, 78%, 78%, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको सब क्लोज कर देना है, ठीक है, क्लोज कर दो सब, सबको क्लोज, नीचे वालों को क्लोज कर दो, ठीक है, सब हम लोग क्लोज कर देते हैं अभी, ठीक है, सब क्लोज कर दो। एक होगा 0%, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ इसका लाइन कौन सा होगा, ठीक है, एक कर देते हैं हम लोग 0%, ओके, जीरो जीरो कर देना, ठीक है, एक जीरो और एक वन जरूर करना, ठीक है, एक जीरो कर दो, ठीक है, और फिर एक क्या करना है आपको, एक करना है वन, आपको जो मन करेगा वो आप कलर रख लेना, ठीक है, आप कर दो वन, ठीक है, अब एक और यहां पे क्लिक करो। अब क्या करना है, जीरो और वन आपको डिफॉल्ट करना ही करना है, वरना आपको जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, जीरो और वन आप कर लेना। फिर आप क्या करोगे, सेटिंग देखो 0.38, ठीक है, ये जो 0.38 है, ठीक है, इसको इसी तरीके से रहने दो, या फिर आप लिख सकते हो 0.38 अगर आपका नहीं है तो, 0.38 रहने दो, ठीक है, इसका कलर आपको जो मन करेगा वो आप रख लेना, ठीक है, मैं इसका रख लेता हूं और ये कलर मैं स्काई कलर, ठीक है। फिर हमारे पास में देखो 0.5, 0.5 मतलब 50%, इसको उसी तरीके से रहने दो, ठीक है। फिर एक हमारे पास में है 0.618, ये भी आप रहने दे सकते हो या फिर 0.6 लिख सकते हो, ठीक है, 0.6 आप लिख सकते हो, ठीक है, इसे आपको जो कलर देने का मन करेगा वो आप दे देना, मैं येलो दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि गोल्डन एरिया इसे कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में 0.78, ठीक है, 0.78 एरिया है, ठीक है, इसे मैं रेड कलर दूंगा। पर हमें एक और कौन सा एरिया चाहिए था, 65% का, कौन सा, 65% का, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 0.65, क्या 0.65, इसका भी कलर मैं दूंगा येलो, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो दो चार दो छह एक सात सात हमें रखना है, ठीक है। आपका अगर मन करे तो 0.38 को हटा सकते हो या फिर 0.65 को हटा सकते हो, जो भी आपको रखने का मन करेगा। देखो गाइस आपको क्या करना है, आपको बैक टेस्ट करना है, फिर आप खुद आप देखना कि हाँ आपके लिए कौन सा एरिया काम कर रहा है सबसे बेहतर, ठीक है। पर 50%, 60% ये दोनों तो आपको रखना ही पड़ेगा, और 78%, ठीक है, ये तीन एरिया आपको रखना ही पड़ेगा, और मैं बस ये तीन एरिया ही रखता हूँ, ठीक है, पर फिर भी मैं इतना मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, बस आपको ओके कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। गाइस यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो 0%, यहाँ पर देखो 0.78, मतलब ये परसेंटेज में है, मतलब 78%, 0.65 मतलब 65%, 0.6, तो ये अगर आप चाहो तो नाम रखना या नहीं रखना। नहीं रखोगे कैसे, सेटिंग पर फिर से क्लिक करो, और जो नीचे प्राइस और लेवल, अगर ये दोनों को अगर आप अगर ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा एकदम पर नीट और क्लीन, क्या मिलेगा, नीट और क्लीन,
ठीक है गाइस, इसका ये क्या कहते हैं बैकग्राउंड व्हाइट है, इसीलिए आपको उतना अच्छा तरीके से मे बी है कि नहीं दिखता होगा। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस अब फिर से हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, और यहां पर देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको सेटिंग बता दिया, ठीक है, कि कितना कितना है। ठीक है, यहां पर जो है तो 0.38, ठीक है, करना है आपको 50%, 60%, 65%, 78%। ठीक है, तो ये आपका सेटिंग है। ओके, यहां से समझ में आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा एरिया क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नहीं है। हम लोग ये देखते हैं यूज कैसे करना है। जनरली हम लोग अभी ये देखेंगे यूज कैसे करना है। गाइस हमेशा आपको फोकस क्या करना है कि गोल्डन एरिया, देखो जनरली लोग बोलता है कि गोल्डन एरिया कौन सा है हमारा, गोल्डन एरिया है हमारा 60 से 65% वाला एरिया, पर मैं नहीं मानता, मेरा गोल्डन एरिया अलग है। तो आप बोलोगे तुम्हारा गोल्डन एरिया मतलब, गाइस देखो आपको एग्जाम नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम तो लिखना नहीं है, तो हमें क्या करना है यार, हमें पैसे कमाने हैं इससे, तो आपको जो मन करेगा उसे आप गोल्डन एरिया बना दो, जनरली बोला जाता है। ठीक है, पर आपको 50 50 50% वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां से पूरा का पूरा 60 या 65% एरिया को आप पूरा का पूरा मान लो गोल्डन एरिया। क्या गोल्डन एरिया, जो आपको फोकस रखना है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको यहीं से रिवर्स मिलेगा। ठीक है, मार्केट जो 90% जो मार्केट होगा, 90% चांसेस रहेगा मार्केट का कि हाँ मार्केट आएगा, 50% से घूम सकता है, 65% से घूम सकता है, 60% मतलब इसी एरिया के बीच से घूमेगा। अब चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं यूज कैसे करना है। गाइस यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास में एक चार्ट है। ठीक है, यहां पर हमारे पास में चार्ट। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मार्केट जो है सो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट यहां पर बियरी सिम्टम्स दे रहा है कि हाँ बियर कैंडल बना रहा है। अगर आपने कैंडल स्टिक्स का वीडियो अगर कंप्लीट कोर्स अगर मेरा अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, तो गाइज अब क्या होगा, मार्केट यहां से तो बियर कैंडल बनाती है मतलब मार्केट अब नीचे आएगा। ठीक है, अब नीचे कहां तक आएगा ये हमें कौन बताएगा, ये हमें फीब बताएगा। तो ड्रॉ कैसे करना, आपको क्लिक करना है फीब पे, और जो नीचे जो सबसे नीचे लो बनाया होगा, क्या जहां पर वीक होगा सबसे नीचे का वीक, वहां पर आप क्लिक करो, एक बार क्लिक करके फिर इसे ऊपर की तरफ ले आओ इस तरह से। ठीक है, ऊपर की तरफ ले आओ, और ऊपर में जो यहां पर जो वीक है देख सकते हो, यहां पर वीक उसके एकदम ऊपर का जो चोटी होगा जहां पर वीक खत्म होता है, ठीक है, आपको वहां पर आकर के इसको छोड़ देना है, छोड़ो। ठीक है, और फिर क्या करो आप, फिर आप सिंपल सा यहां पर हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, ठीक है, इसको लो और इस तरह से लाइन खींच दो। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे एक सपोर्ट का एरिया है जहां पर चांसेस है कि मार्केट जो मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है, वो यहां करके इतना नीचे आएगी, या फिर यहां से जहां से भी रिवर्स करेगी, यहां से कर सकती है, यहां से कर सकती है, यहां से रिवर्स होगी फिर ऊपर जाएगी। तो इस तरह से ये हमें बता दिया एक एरिया। अब देखते हैं मार्केट को आगे, देखते हैं मार्केट क्या करती है। ठीक है, देखो गाइस अब आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। ठीक है गाइस, मार्केट एक सिंगल लाइन में नहीं आएगी, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे जो कहते हैं सर्कस करते हुए आएगी। ठीक है, सर्कस करते हुए आएगी, तो यहां पर आपको क्लियरली पता चल गया हाँ हमें एक एरिया मिल गया, ये एक पूरा एरिया, यहीं पर देखो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, यूज कैसे करना है मैंने बता दिया कि नीचे कोई भी अगर मान लो, देखो अब आपको यूज करने में बहुत इशू आ सकते हैं कि अब आप पूछोगे कि 15 मिनट के चार्ट पे मैं यूज करूंगा, 30 मिनट के चार्ट पर यूज करूंगा, 60 मिनट के चार्ट पे यूज करूंगा, या कब यूज करूंगा। ठीक है, डेली डेली चार्ट पे यूज करूंगा। गाइस आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, इसे आप दो तरीके से यूज करोगे, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अब इसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में यूज करने का मतलब क्या है वो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। गाइस देखो अगर आपको मगर मान लो कि मार्केट मार्केट जो है सो, ये तो मैं बताना भूल ही गया। ठीक है, तो मार्केट अगर मान लो ऊपर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में, तो आपको पता क्या करना है, मान लो मार्केट ऊपर आ गई तो आपको पता क्या करना है, नीचे का एरिया कि मार्केट कहां पर, ये कौन सा एरिया होगा जहां से मार्केट ऊपर जाएगी, आपको यही पता करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फीब लेना है, और नीचे याद रखना ऊपर में मत क्लिक कर देना पहले, नीचे नीचे कभी भी डाउन अप ट्रेंड में मार्केट को आप जो फीब होगा उसको आप नीचे लोअर, ये लोअर हाई
लोअर हाई से हायर हाई में आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, लोअर हाई से लोअर हाई में, और यहां पर मार्केट आएगी और फिर मार्केट यहां से बूम, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से ड्रॉ होता है। क्या ध्यान में क्या रखना है कि आपको क्लिक यहां से करना है, ये लोअर लोअर हाई से, ठीक है, ये हमारा लोअर हाई है और ये हमारा हायर हाई है, और ले जाकर के छोड़ना कहां पर है, हायर हाई। पर यही डाउन ट्रेंड में चीजें उल्टा हो जाएंगी। अब डाउन ट्रेंड में क्या चीजें उल्टा हो जाएंगी और कैसे उल्टा होंगी वो हम लोग देखते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या करना है आपको, मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर मार्केट नीचे आ रही है, फिर क्या कर रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट नीचे आ रही है। तो इसमें आपको क्या पता करना है कि ये ऊपर का एरिया कौन सा है, मतलब यहां पर एरिया कौन सा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में क्या करना है आपको कि ये लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, हमेशा दिमाग में एक चीज बस आप दिमाग में रख लो, लोअर हाई से ही आपको ड्रॉ करना है। ऊपर से डाउन ट्रेंड में क्या आपको ऊपर पे सबसे पहला क्लिक करना है, न कि नीचे, और नीचे ले आकर के आपको छोड़ देना है, नीचे क्या ला करके आपको छोड़ देना है, फिर क्या करेंगे मार्केट, मार्केट यहां से यहां आएगी फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो समझ में आ गया, देखो अप ट्रेंड में मार्केट को नीचे से ऊपर आपको लेकर के जाना है, फिब को ड्रॉ करना है नीचे से ऊपर, पर डाउन ट्रेंड में फिब को आपको ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, कि अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर मेरे को ये क्लिक करके ले जाना है फिब को, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे, क्योंकि मार्केट देखो मार्केट किधर जा रही है, अप ट्रेंड में मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो आपको क्लिक नीचे से ऊपर करना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, तो आपको फिब कैसे क्लिक करना है, ऊपर से नीचे, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। अब हम लोग क्या, अब हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि हाँ यहां पर ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, क्या ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, दिख गया हमें, ठीक है। तो अब मार्केट कितना नीचे आएगी, ठीक है, ये मैंने पहला बताया था। अब दूसरा मैं आपको कैसे आपको करना है, सिंपल सा फिब लो आप, यहां पर आप क्लिक करो न कि यहां पे, ठीक है। अब हम लोग हमारे के लिए ये देखो लोअर हाई मैंने बोला है, ठीक है, नजदीक का लोअर हाई पे आप क्लिक करो यहां पर, और ऊपर का ये एरिया के पास में आप ले जाओ, ये एरिया के पास, ठीक है, यहां से मैं क्लिक करूंगा यहां तक, और आप देखूंगा नीचे कहां तक आना है, नीचे जनरली इसको कहां तक आना है, नीचे इसको आना है, इसके लिए अब सपोर्ट कौन सा नया बन रहा है, ये बन रहा है, इसका अभी हमें ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये बन रहा है, ये एरिया हमारे पास में आया, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे, गाइस अब आप क्लियरली देख सकते हो, देखो मार्केट ने फिर ये एरिया पे आया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, क्या मार्केट देखो फिब वाला एरिया को कितना रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, फिब वाले एरिया को मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है, ये आप इजिली से आप देख सकते हो कि हाँ फिर मार्केट ऊपर गया, देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां आया फिब का एरिया पे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया फिब, देखो फिब का एरिया में आया और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है मार्केट, ठीक है, ये हमने अप ट्रेंड में देखा। अब हम लोग क्या, अब हम लोग डाउन ट्रेंड में देखते हैं, ठीक है, और आपके सामने मैं दिखाऊंगा इस बार मैं ये आपको मार्केट में एकदम पूरा ड्रॉ करके मैं बताऊंगा, ठीक है, यहीं पर बताऊंगा। देखो गाइस हमारे पास में क्या है, देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, फिर मार्केट ऊपर गई है, मतलब क्या मार्केट देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, इस तरह से बना रही है, ओके, इस तरह से बना रही है मार्केट। तो अब क्या करना है, यहां पर फिब ड्रॉ करना है, वो कैसे करोगे आप, लो ये जो सबसे हाई है, ठीक है, हाई, ठीक है, फिब पर आप क्लिक करो, ये हाई पे आप यहां पर क्लिक करो और फिर आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो। देखो गाइस अब आप यहां पर क्लियरली देखो क्या हो रहा है, सो देख रहे हो हमारा गोल्डन रेशियो एरिया, ठीक है, देखो ये एरिया हमारा, हमारा एरिया 50 60 65, ठीक है, यही एरिया से देखो मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ, ठीक है, देख सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि और हम लोग देखते हैं, देखो यहां पर देखो आप फिर से हमारा यही एरिया है जहां से मार्केट देखो यहां पर थोड़ा सा वीक बाहर की तरफ दिखाया, फेक आउट दिया और मार्केट फिर से नीचे, ठीक है,
अब यहां से देख लो, फिर क्या आपको करना है, फिर आप यहां पर ड्रॉ करो यहां से यहां, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, देखो हमारा एरिया कौन सा, ये देखो, गाइस आपके सामने मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अभी आप देख सकते हो कि कितना बेहतर तरीके से फीब काम करता है, फीब को यूज कैसे करना है, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में विथ एग्जांपल्स मैंने बताया है, क्या विथ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि यहां तक वीडियो आपको समझ में आ रही है। गाइस अब हम लोग को क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इसे भी हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, पहला यूज करते हैं वीक से वीक और दूसरा यूज करते हैं बॉडी टू बॉडी, ठीक है। क्या वीक से वीक, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, दो तरीके से यूज होता है। और हमें यह देखना है कि इसमें एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा, और ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड, कोई भी अगर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसमें कितना ताकत है, वो कितना दूर तक जाएगा, ये हमें बताता है, ठीक है। तो ये सब जो है सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइस, और ये वीडियो यहीं तक गाइस, बिना कमेंट किए हुए मत जाना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपके कमेंट पर निर्भर करेगा कितना जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिए गाइस हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।